बात करेंगे डींडवाना की, जहां पर जिले में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक का आयोजन आज पुरानी पंचायत समिति सभागार में किया गया। इस बैठक में क्षेत्र की पानी बिजली समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। इस दौरान विकास अधिकारी गणेश राम जाखड़ ने मनरेगा 2024-25 की वार्षिक कार्य योजनाओं के विकास कार्यों को अनुमोदन के लिए सदन में रखा है। इसी क्रम में विधायक यूनुस खान ने बैठक में कहा कि DPR के अनुसार कंपनी ने पेयजल लाइन नहीं डाली है, जिसकी वजह से अन्य समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही पेयजल सप्लाई में किसी भी तरह की राजनीति ना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ नहरी परियोजना का काम किया जाए। आज डींडवाना पंचायत समिति की बैठक में बरसों बाद सदस्य के रूप में मुझे पहली बार उपस्थित होने का मौका मिला और मेरी ये माननीय प्रधान साहब से भी पहली मुलाकात थी। मुझे लगता है कि जो 3 दिसंबर को परिणाम आए उसके सदमे से अभी एक दल विशेष उभरा नहीं है, उनके माननीय विधायक अभी उभरे नहीं है। आज उन्होंने अपने समर्थक सरपंचों और पंचायत समिति के सदस्यों का सबको बायकॉट करवाया, जबकि प्रपोजल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उन्हीं के समर्थित सरपंचों के और पंचायत समिति उन्हीं के दल के पंचायत समिति सदस्यों के प्रस्ताव थे। तो पहले या तो उन्होंने गलत बनाया इसलिए आज बायकॉट करवाया होगा,